बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सिनेमा जगत के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म OMG 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं वो इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में अक्षय जसवंत गिल की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं इस बीच अभिनेता ने गांधी शास्त्री जयंती के खास मौके पर अपनी अपकमिंग फिल्म स्काई फोर्स के रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। बता दें ये फिल्म भारत के सबसे पहले और सबसे घातक हवाई हमले पर बेस्ड है। दरअसल अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर पर अपनी अपकमिंग फिल्म स्काई फोर्स का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की धमकी के बाद लाल बहादुर शास्त्री की एक क्लिप सामने आती है, जिसमें वो कहते हैं कि तलवार की नोक पर यह एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, तो ये देश हमारा दबने वाला नहीं है। एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से देंगे। जय हिंद। वहीं अक्षय कुमार ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आज गांधी शास्त्री जयंती के दिन सारा देश कह रहा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। इससे अच्छा कोई और इस दिन शानदार स्टोरी को अनाउंस करने के लिए नहीं हो सकता। स्काई फोर्स भारत के पहले और सबसे घातक हवाई हमले की हमारी अनकही कहानी है। इसे प्यार दें। जय हिंद जय भारत। जियो स्टूडियोज और दिनेश विजान द्वारा प्रस्तुत स्काई फोर्स 2 अक्टूबर 2024 को सिनेमा घरों में उड़ान भरेगी। बता दें स्काई फोर्स में अक्षय कुमार एक एयरफोर्स पायलट की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन दिनेश विजैन ने किया है। फिल्म में अक्षय के अलावा निमरत कौर, सारा अली खान भी फिल्म में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म का सह निर्देशन संदीप केलवानी और अभिषेक कपूर ने किया है और अमर कौशिक द्वारा निर्मित की जाएगी। दिनेश विजन और ज्योति देशपांडे द्वारा निर्मित स्काई फोर्स 2 अक्टूबर 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार जल्द ही अपनी ही फिल्म द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू में नजर आने वाले हैं। एक्टर के पास बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सोरा रई, पोर्ट ट्रू का रीमेक, वेलकम 3 और हेरा फेरी 3 भी शामिल है।